ये कहता है एक मेटालिक स्पीयर है जिसकी रेडियस 1 सेंटीमीटर है और दूसरे की रेडियस 2 सेंटीमीटर है, उन पे चार्ज ऑलरेडी दिया हुआ है। इफ़ दे आर कनेक्टेड बाई कंडक्टिंग वायर देन द फाइनल चार्ज ऑन स्मॉलर स्पीयर। दो सिचुएशन है समझने की कोशिश करना, एक स्मॉल स्पीयर है 1 सेंटीमीटर का समझना, और यहाँ पे एक बड़ा सा स्पीयर है, बड़ा मतलब इतना ज़्यादा भी बड़ा नहीं है, तो ये 2 सेंटीमीटर इसका डबल है। और दे आर सेपरेटेड टू मेटालिक स्पीयर से चार्ज, इस पे जो चार्ज है Q1 वो है 10^-2 कूलम, और इस पे जो चार्ज Q2 है वो है 5×10^-2 कूलम। ये तो हमारे पास पहले का सिचुएशन है, और अब क्या हुआ कि इन दोनों को एक कंडक्टिंग वायर से कनेक्ट कर दिया गया। ऑब्वियसली देखो ये जो स्पीयर है ये एक छोटा स्पीयर है और एक बड़ा स्पीयर है, तो दोनों का रेडियस अलग है, दोनों का सरफेस पोटेंशियल अलग अलग है, देयर इज पोटेंशियल डिफरेंस। तो जब मैं एक वायर लेके इन दोनों को कनेक्ट कर दूंगा, ये इनके बीच का डिस्टेंस था सेंट्रल डिस्टेंस, एक वायर से इनको कनेक्ट कर दूंगा तो चार्ज ऑलवेज फ्लो फ्रॉम हायर पोटेंशियल टू लोअर पोटेंशियल, तो लोअर से हायर से लोअर पोटेंशियल तक चार्ज का डिस्ट्रीब्यूशन हो जाएगा। तो कनेक्शन के बाद चार्ज तब तक फ्लो होगा जब तक कि पोटेंशियल इक्वल नहीं हो जाएगा। तो कनेक्शन के बाद जो है जब पोटेंशियल इक्वल हो जाएगा तो इस पे चार्ज Q1 हो गया मान लो, जो हमें नहीं पता है, और इस पे चार्ज Q2 हो गया वो भी हमें नहीं पता है, और यही हमें निकालना, Q1 की वैल्यू निकालनी है। चलो कर लेते हैं, पहला केस करते हैं, जब कनेक्ट करोगे तो पोटेंशियल V1 हो जाएगा V2 के इक्वल हो जाएगा, बराबर है। तो पोटेंशियल इसका सरफेस पोटेंशियल Q1 upon R, समझने की कोशिश करना, R 1 सेंटीमीटर है तो इसको मैं 1 सेंटीमीटर ही लिख देता हूँ, 1×10^-2 इज इक्वल टू के Q2 फाइनल पोटेंशियल, मतलब जब इक्वल हो गया पोटेंशियल सरफेस, तो ये Q2 R, इसका R कितना है देखो, ये 2 सेंटीमीटर है, 2×10^-2, तो -2 के ने K को, मतलब Q1 इज इक्वल टू Q2 upon 2, एक रिलेशन नंबर फर्स्ट मिल गया बाय द कॉन्सेप्ट ऑफ द पोटेंशियल इक्वल हो जाएगा। अब लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ चार्ज ये कहता है कि इनिशियल चार्ज मस्ट बी इक्वल टू फाइनल चार्ज, चार्ज कंजर्वेशन वायलेट नहीं होगा ना इस सिस्टम का। तो इनिशियल चार्ज कितना था, इनिशियल चार्ज था Q1+Q2, फाइनली जब डिस्ट्रीब्यूशन हो गया तो पहले वाले पे Q1 हो गया और दूसरे वाले पे Q2 हो गया ये वाला। तो इसका मतलब ये हुआ इन दोनों को जोड़ लो तो 1 सेंटीमीटर है, 1×10^-2, और प्लस दूसरे वाले पे चार्ज कितना है, ये नहीं 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 ये ये वन नहीं हाँ ये है 10^-2 कूलम प्लस 5×10^-2 कूलम, और यह आ जाएगा Q1+Q2। हमारा टारगेट है Q1 निकालना, ये डैश है, तो यह आ जाएगा 6×10^-2, और यह आ जाएगा Q1 और प्लस Q2। ये अब यहाँ से क्या करो, हमें चाहिए Q1 चाहिए, तो Q2 की वैल्यू यहाँ पुट कर दो, तो Q2 की वैल्यू 2×Q1 आ जाएगी, तो 6×10^-2, और ये Q1 चाहिए, Q2 यहाँ से निकाल के लेके आए तो 2×Q1, मतलब Q1 की वैल्यू आ जाएगी जो है 2×10^-2 कूलम, दैट इज डी ऑप्शन सही है। और Q1 की वैल्यू इतनी आ जाएगी, Q2 की वैल्यू आ जाएगी 4×10^-2। तो हमारे स्मॉलर पे पूछा है, स्मॉलर वाले पे पूछा है, मतलब Q1 पे पूछा है, मतलब 2×10 डी ऑप्शन सही है।